कार्यक्रम में नीतीश के जाने पर आखिर लालू क्यों भड़के? आखिर लालू ने नीतीश को कौन सा नारा दिलवाया याद? करीब एक साल पहले बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने संघ मुक्त भारत का नारा दिया था। उस वक्त नीतीश सूबे में आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन सरकार चला रहे थे, लेकिन सत्ता का समीकरण बदलते ही नीतीश कुमार का नजरिया भी पूरी तरह से बदल चुका है। सूबे के बदले राजनीतिक हालात में बात यहां तक पहुंच चुकी है कि नीतीश अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। दरअसल बिहार में भोजपुर जिले के चंदवा में रामानुजाचार्य के 1000वीं जयंती पर धर्म सांसद का आयोजन किया गया है। इस मौके पर पिछले कई दिनों से एक यज्ञ भी हो रहा है। इसी कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम नीतीश कुमार को भी हिस्सा लेना है। मिली जानकारी के मुताबिक नीतीश के साथ पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव भी मौजूद भोजपुर जाएंगे। हालांकि अभी तक ये तय नहीं है कि दोनों का आमना सामना होगा या नहीं, लेकिन विरोधी नीतीश कुमार पर निशाना साधने में जुट गए हैं। नीतीश पर निशाना साधते हुए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 2 ट्वीट किए। अपने पहले ट्वीट में लालू ने लिखा है, मुंह में राम दिमाग में नाथूराम, तभी तो बना पलटू राम। लालू यही नहीं रुके, अपने दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, पलटी मापने का कोई पैमाना और मापदंड होता तो पलटू राम के शार्प यूटर्न के आगे वह टूट कर चूर चूर हो जाता। उधर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि ये एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है, ऐसे में इसे राजनीति से ऊपर उठाकर देखा जाना चाहिए। कार्यक्रम में बहुत से नेता आएंगे, लेकिन सिर्फ मोहन भागवत के बारे में ही बात क्यों की जा रही है? जाहिर है नीतीश और भागवत भले ही एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।